साथ हमारी कोशिश थी कि एक एक काइंड ऑफ सीक्वल जैसा बनाएं, पर आई डिडंट वांट टू मेक अ डार्क फिल्म और अ फिल्म विच इज़ अगेन लाइक अ इट हैज़ टू बी अ थ्रिलर बट अ कॉमिक थ्रिलर. तो वी वर वेरी क्लियर ऑन द काइंड ऑफ फॉर्मेट. हमें ऑलमोस्ट एक साल लग गया ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढने में. एंड टुडे वी सॉ द फर्स्ट शो एंड इट वाज जस्ट सो फैबुलस द ऑडियंस रिस्पॉन्स. एंड बस हम वेट कर रहे हैं कि कब हम छुरी को. और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि वी शुड रिलीज छुरी एंड शो इट टू द वर्ल्ड. तो ये मैं बोल रहा था कि ये सारे हस्बैंड को क्या कहना चाहेंगे आप जो अपनी वाइफ के अलावा और भी जाते हैं लोगों के पास? आप सिर्फ चटनी और छुरी देख लीजिए, उसके बाद मेरे को जो कहना है मैंने अपनी फिल्मों के थ्रू कह दिया है. ओके, अनुराग सर ने कहा कि सिर्फ आपके वजह से ही उन्होंने साइन की थी मूवी, तो ऐसा आपने क्या कहा था कि उन्होंने झट से आगे? आई थिंक ही रियली लाइक चटनी, बट मैंने भी बहुत प्यार से उन्हें मनाया था. और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा अंदर उसके बाद? Fabulous. We are very happy. Very happy. How was Anurag as an actor on the show? He was amazing. Anurag Kash. Anurag Kashyap as an actor was fabulous on set. ऐसे एकदम बच्चे जैसी एनर्जी, एंथुजियास्टिक, फ्रेश. हाँ, मैं एक बार और करता हूँ, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ. ही डिडंट गेट एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑन सेट, बट सपोर्टिंग, इनकरेजिंग, कहा थोड़े और घंटे रहना है, मैं और थोड़ी देर भी रह जाता हूँ. सो ही वॉज जस्ट अमेजिंग. शॉर्ट फिल्म आर द फ्यूचर बिकॉज 20 मिनट्स जब यू नो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ट्रैफिक में, एक ये तरह का माइक्रो कॉन्टेंट विच इज़ गोइंग टू बी बिग. एंड द अदर थिंग विच इज़ गोइंग टू बी बिग इज बिंज वॉचिंग. लोग पीपल 5, 6, 7, 8 एपिसोड 1, 2, 3, 4 घंटे सैटरडे को बैठ के या संडे को बैठ के अपना फेवरेट शो या अपना फेवरेट फिल्म देखना चाहते हैं. सो आई थिंक ये दो तरह के पोलराइज हो जाएंगे कॉन्टेंट, या तो माइक्रो कॉन्टेंट या बिंज वॉचिंग. इस दो तरह के कॉन्टेंट्स में पोलराइज हो जाएगा व्यूअरशिप. मैम, डू यू थिंक क्या शॉर्ट मूवी के वजह से लॉन्ग फीचर फिल्म इफेक्ट हो रही है? क्योंकि एक 20 मिनट्स में पूरी कहानी बताई दी जाती है और फीचर फिल्म में 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो उसके वजह से आपको नहीं लगता थोड़ा बहुत फीचर इफेक्ट हो रही है मूवी? नहीं, आई डोंट थिंक कि फीचर फिल्म्स को कुछ इफेक्ट करेगा, बिकॉज कुछ कहानियाँ 15 ही मिनट डिजर्व करती हैं. अगर उस कहानी को आप लंबा खींचोगे तो वो पतली हो जाएगी, उसके अंदर उतना सब्सटेंस नहीं बचेगा. सो आई थिंक द आइडिया इज कि देर आर फिल्म्स विच रिक्वायर 2 and a half hours, 3 hours, not 3 hours but maybe like 2 and a half hours, 2 hours, स्टफ लाइक दैट. एंड देर आर सर्टन फिल्म्स विच कैन ओके. सो या आप या तो आप व्हाट वाज आई सेइंग नाउ अबाउट ओनली फीचर फिल्म. हाँ, सो आई थिंक फीचर फिल्म्स की अपनी कहानी, उसका अपना ड्यूरेशन होता है, जिस आपको 1.5, 2 घंटे चाहिए, 2.5 घंटे चाहिए टू फिनिश दैट स्टोरी. पर कुछ आइडियाज़ हैं विच आर ओनली लाइक 15 या 20 मिनट में यू कैन फिनिश दैट आइडिया. उसको खींचोगे तो वो फिर पतला हो जाएगा. तो हमें कि ये वो वजह है कि हस्बैंड के मुझे गायब होने की. आप बताइए, आप नहीं बताते. मेरे हस्बैंड के मोजे नहीं गायब होते. थैंक यू. अब क्या 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 मैम, आल्सो डू यू थिंक द फैक्ट दैट देयर इज नो सेंसरशिप प्रेजेंट इन शॉर्ट फिल्म्स टिल नाउ हेल्प्स एन आर्टिस्ट फ्लावर आल्सो द डायरेक्टर? Certainly, certainly, the digital space provides for people to be able to freely express. There's no curtailing of content on the short space and in digital. So the content can be far more true to the way the story needs to be told, which I think is just fabulous. Yeah, thank that you. Is true. Thank you. Thank you.